छाता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पैगांव में चुनावी रंजिश के चलते एक और हत्याकांड सामने आया है। घटना की पृष्ठभूमि में 29 जनवरी 2022 को पैगांव के प्रधान रामवीर की हत्या हुई थी, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। रामवीर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक भी थे और उनकी हत्या उस समय की गई जब वह कोकिला वन की परिक्रमा कर रहे थे। इस मामले में कई लोग जेल गए थे, जिनमें प्रधानी का चुनाव लड़ चुके अमोल पहलवान भी शामिल थे। बताते चले कि पूर्व में पैगांव के प्रधान रामवीर की हत्या 29 जनवरी 2022 को कर दी गई थी। रामवीर की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था, क्योंकि रामवीर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का प्रस्तावक भी था। इसी के साथ रामवीर की हत्या उस वक्त की गई जब रामवीर कोकिला वन की परिक्रमा कर रहे थे। इस मामले में जहां कई लोग जेल में गए थे, तो वहीं प्रधानी का चुनाव लड़ चुके अमोल पहलवान भी इस मामले में जेल गया था, जिसके बाद से लगातार चुनावी रंजिश चल रही थी। आपको बताते चलें कि गांव में किसी बात को लेकर के पंचायत चल रही थी कि तभी बताया जाता है कि दूसरे पक्ष के लोग वहां पर आए और अमोल में करीब 6 से 7 गोलियां मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अमोल को घायल अवस्था में मथुरा के सिटी हॉस्पिटल में लाया गया, जहां बताया जाता है कि उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल इस मामले में वर्तमान प्रधान के पुत्रों का नाम हत्याकांड में आ रहा है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों व परिजनों ने मृतक अमोल पहलवान की लाश को आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे छाता कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर आरपीआर होटल के सामने सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। तभी छाता कोसी शेरगढ़ गोवर्धन बरसाना वृंदावन जैत पुलिस चौकी के जवान मौके पर पहुंच गए। वहीं एसएसपी शैलीन कुमार पांडे, एसपी ग्रामीण त्रिगुण बिजेश, उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह, सीओ छाता आशीष शर्मा व सीओ गोवर्धन भी मौके पर मौजूद रहे। कृष्ण के पिता रामवीर की 2021 में हत्या हुई थी, उसमें अमोल जो है नामजद अभियुक्त था और उसमें जेल गए थे। आज किसी बात पे इन दोनों के बीच में अल्टरकेशन हुआ और उसके बाद अमोल के परिजनों का आरोप है कि कृष्ण ने अपनी पिस्टल से अमोल के ऊपर फायर किया और ये लोग जब हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। तत्काल सभी ऑफिसर्स ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, मेरे द्वारा भी यहाँ घटनास्थल पर आया गया। परिजन अभी तहरीर दे रहे हैं, जिस पे आरोप है उसके कंधे पे गोली लगी है और मृतक के परिजनों का कहना है कि उसने खुद ही क्रॉस में मुकदमा बनाने के उद्देश्य से अपने कंधे पे गोली मारी है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके गहनता से विवेचना करके जो भी इस मामले में दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिजन जिस मुख्य आरोपी पे इंगित कर रहे हैं वो भी इलाजरत है और पुलिस की अभिरक्षा में है। जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर गंभीर धाराओं में कार्रवाई पुलिस सुनिश्चित कराएगी। वर्तमान में कानून व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है। वहीं सभी पुलिस के आला अधिकारियों ने ग्रामीणों व परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो सभी लोग अधिकारियों की बात को सुनने को राजी नहीं हुए। तभी पुलिस ने लाठीचार्ज का प्रयोग किया और हाईवे से ग्रामीणों व परिजनों को खदेड़ दिया। वहीं पैगांव के ग्रामीणों ने हाईवे को लगभग 2 घंटे तक जाम रखा। पुलिस ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे के जाम को खुलवाया। वहीं अमोल पहलवान की लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मथुरा रवाना कर दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।